हेलो हाय दोस्तों, सुगर ग्रैनी चैनल में आपका बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं मिसेज वीना उपल आपको शलगम से सब्जी बनाना नए तरीके से बता रही हूँ। शलगम की आपा भुर्जी कैसे बनाते हैं, जिसके लिए ये देखो मैंने आधा किलो से भी एक आधा फालतू ही था ये शलगम लिए हैं। धो के अच्छी तरह इसको छिल के धो के और इसके बाद मैंने इसको ये कद्दूकस कर लिया है। और ये हल्के से मैंने मटर लिए हैं और ये दो तीन टमाटर लिए हैं। ये मैंने लिया है ये धनिया साफ करके काट रखी है और ये हरी मिर्ची ली है दो तीन, और ये लिया मैंने कसूरी मेथी। अब ये रिफाइंड गरम हो रहा है, अब इसमें हम सबसे पहले क्या डालेंगे, एक चम्मच मैं इसमें डाल रही हूँ अजवाइन। इसमें पिसी हुई अजवाइन नहीं लेनी, आपने साबुत वाली अजवाइन लेनी है। ये देखो एक चम्मच मैं अजवाइन डाल रही हूँ, ये तिड़क रही है, तिड़क रही है। और अब इसमें डाल देते हैं आपा मटर, और साथ के साथ ही आपा डाल देते हैं इसमें ये शलगम। ये नए तरीके से भुर्जी बहुत ही टेस्टी बनती है, वैसे तो शलगम खाए नहीं जाते। और इसमें ना तो मैंने प्याज डाले हैं, ना अदरक डाली है, ना लहसुन डाला है, कुछ भी नहीं डालना आपने, बिना उसके बनानी है। अब इसको अच्छी तरह थोड़ा फ्राई होने देते हैं। अब ये भून जाएगा थोड़ा, और बहुत ज्यादा गलानी नहीं है हमने इसको। ये हो जाता है, और रिफाइंड भी तीन चम्मच मैंने रिफाइंड डाला है, बहुत ज्यादा रिफाइंड नहीं डाला। ये देख ये हो गया ऐसे, मटर भी तैयार गल गए थोड़े, मटर भी गल गए। अब इसमें हम डालेंगे मसाले, देखो इसमें डालेंगे मसाले। सबसे पहले अपन ने डाल दिए हैं लाल मिर्ची, अपने हिसाब से डाल लेना, मैं 1.5 चम्मच डाल रही हूँ। और ये मैंने डाला है धनिया पाउडर आधा 1 चम्मच, और ये हल्की सी हल्दी डाल दी है, बिल्कुल थोड़ी सी। ये भरते टाइप बनाते हैं आप इसको, जैसे भरता बनता है। ये देखो थोड़ी सी हल्दी डालनी है आपने, इसको कर लेते हैं थोड़ा मिक्स। अब इसमें डालते हैं आप, ये देखो हल्का सा मैं डाल रही हूँ काला नमक, ये व्हाइट नमक, ये हो गया। अब इसमें हम डालेंगे, पहले डालूंगी ये मिर्ची, मिर्ची आप अपने हिसाब से डाल लेना, आप कितनी खाते हो। अब इसमें डाल दूंगी ये टमाटर,
दो मिनट इसको पकने देंगे, टमाटर भी थोड़े वो हो जाएंगे। और अब इसमें डाल देंगे अपन ये कसूरी मेथी और ये धनिया दोनों। तैयार होगी, अब इसमें ऊपर से डालूंगी गरम मसाला। ये गरम मसाला डाल दिया, अब गैस को कर देते हैं ऑफ। अब ये बन के तैयार हो गई है। ये बन के तैयार हो चुकी है। आई होप कि आपको पसंद आएगी, और बना के खा के देखो, और लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करो। ओके, बाय, थैंक यू।